हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है संडे, तो आज हम लोग गए थे बाहर। जैसे कि आपको मैंने पिछले शायद एक दो ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं, तो वही मैं गई हूँ आज। मुझे मॉल में जाना था, वहाँ पर मुझे कुछ रेडीमेड सामान चाहिए था, मतलब मेरे ड्रेसेस वगैरह जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। लोअर मुझे चाहिए था शरारा टाइप, तो मैंने काफ़ी जगह पहले भी देखा था बट मुझे मिला नहीं। फाइनली मुझे लगा यहाँ पर एक शॉप है तो यहाँ पर देख लेती हूँ। यहाँ पर थे बट वो प्लाजो टाइप थे जो मैंने वेयर किया ना, वैसा वाला। ये मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं लगते जो मैंने वेयर भी किया है। मुझे थोड़ा सा खुला खुला सा चाहिए था, वो नहीं था। तो फिर अभी मैं देखती हूँ, 2 दिन के बाद दूसरी जगह पर जाऊँगी। यहाँ पर बहुत सारे मॉल है, वहाँ पर देखूँगी। अगर मुझे मिला नहीं तो फिर कोई अच्छा सा टेलर पकड़ कर उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं स्टिच नहीं करवाऊंगी। फिर देखते हैं, पंजाब कभी जाऊंगी तो वहीं से करवा लूंगी। और यहाँ पे जो टेलर है बिल्कुल भी कपड़े अच्छे नहीं स्टिच करते, इसलिए ही मैं रेडीमेड हमेशा कपड़े वगैरह लेती हूँ, ताकि मैं उसको थोड़ा बहुत जो भी होता है ऑल्ट्रेशन कर लूँ और वेयर कर लूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, पता नहीं कहाँ पर आई हूँ मैं। हाँ, इधर मैं ना आते आते देखा कि कर्टन्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से हैं, तो मैंने जब कर्टन्स उठाए और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और ये थे 9 फीट के, और मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट जब मैंने इसको देखा कि 9 फीट के, तो इसको मुझे ऑल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेरा गला बैठ गया, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और ऊपर से इसलिए भी अच्छे लगे क्योंकि इसके साथ ना एक फ्री था, 2 लेकर 1 फ्री, तो मुझे सिर्फ 2 लेने पड़ते तो 2 फ्री में आ जाते, मतलब 2 सेट लेने पड़ते 2 फ्री आ जाते। बट मुझे फिर ऑल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होता, इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और उसी जगह पर फिर मैंने दूसरी साइड पर जा गई, और वहाँ से मैंने एप्पल और वाटरमेलन और पता नहीं क्या चीज़ उठाई थी, तो हम लोग लेकर घर पे आ गए। और दूसरे दिन मैंने फिर, मंडे आने वाला था, मंडे हाँ दूसरे दिन, तो उस दिन फिर मैंने शूट करना शुरू किया। पता नहीं, जब भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ ना, मुझे गले में प्रॉब्लम आ जाता है और मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो बस अभी मेरा आप वीडियो एंजॉय करें, ठीक है। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are. यहाँ पर मैंने हस्बैंड को बाहर छोड़ा है, गेट वगैरह बंद किया, और मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल वैसे तो सेट था, लेकिन सुबह में फिर से बैठना और सोफ़ा इधर उधर तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो वही सेट कर रही हूँ। और यहाँ पर जिससे मैं बात कर रही थी, वो फिश वाली अम्मा थी, बहुत उसने परेशान कर दिया था मुझे, बार बार अम्मा ले लो अम्मा ले लो, दिमाग ख़राब करके रख दिया था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि हट ही नहीं रही, सुबह सुबह आ गई, तो बड़ी मुश्किल से उसको भेजा है। पता नहीं अभी फिर से ना कहीं आ जाए तो आपको पता चल जाएगा वो फिर से आई है कि नहीं आई। तो यहाँ पर बस मैं सोफ़ा वगैरह सेट कर लूँ, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो इंजॉय करें। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are. Cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, talk on the phone
to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. I will remember you. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर आप लोगों ने ना देख ली है कि मैंने बनाई है कड़ी. कड़ी मैंने सुबह सुबह रख दी थी, जब मैं ब्रेकफास्ट लगी थी बनाने ना, तो साइड में मैंने रख दी थी ताकि फिर बाद में मुझे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट ना हो. तो मैंने कड़ी के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो पहले मैंने कढ़ाई रख दी थी, फिर दो मिनट के लिए जो अम्मा आई हुई थी वो हमारे घर पे ना फिशेस वगैरह लेकर आती है तो बार बार फिर से अगेन उधर गई राउंड लेने. पहले मैंने स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड को छोड़ा बाहर, गेट बंद करके आई तो तुरंत तो उधर से भाग कर आ गई कि मैं हूँ बाहर तो बुला लेगी मुझे और मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लेना था. तो अभी फिर से उधर गई तो अभी फिर से मुझे आवाज़ें दे रही है और फिर से मैं जाकर बंद करवा कर आई हूँ कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है, सुबह से डिस्टर्बेंस लगी हुई है करने. तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कड़ी, जैसे कि आपको दिखाई दिया है कि मैं कड़ी बना रही हूँ. कड़ी मैं ज़्यादा नहीं बना रही, बस दो तीन कटोरी बना रही हूँ क्योंकि घर पे कोई खाता नहीं है और जैसी मुझे पसंद है वैसी मैं बना रही हूँ, आलू वाली कड़ी. और उसके अंदर बहुत सारा जिंजर और लहसुन, मतलब अदरक लहसुन, हाँ गार्लिक और जिंजर दोनों ही डाल रही हूँ. और इसके अंदर मैंने ग्रीन मिर्ची नहीं डाली है, वो मैं सोच रही हूँ कि डालूँ कि नहीं डालूँ, देखती हूँ. तो साथ में मैंने पोटैटो वगैरह कट कर दिए थे, वो मैंने डाल दूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ना, तो फिर मैंने बीच में बंद करके जाना इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया था. बस कड़ी उबालनी ना रख दी थी कि कड़ी उबल जाएगी, कड़ी उबल जाएगी तब तक, और तब तक मैं उनको छोड़ के आती हूँ. और इसको मानना से भी ज़्यादा हो गया इसको रखे हुए, तो बस अभी मेरी हो जाएगी. तो बाकी की दूंगी आप सबको वॉइस ओवर. यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने पैन रखा है और तेल गरम करने को रख दिया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है जिंजर और गार्लिक, छोटा छोटा सा मैंने चॉप किया और इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी, रेड हो जाएंगे. तो उसके साथ ही मैंने इसमें डाल देना है अभी ग्रीन चिल्ली साबुत वाला, उसको मैं कट नहीं करूँगी ऐसे ही डाल दूँगी. और ये देख लीजिए ग्रीन चिल्ली, यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था मेरे सडनली ना स्टमक अपना जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पे लेफ़्ट और राइट पता नहीं अभी मुझे भूल गए, मुझे लगता लेफ़्ट तो साइड मेरे पेन हो रहा था तो वो मैंने रखा. और यहाँ पर मैंने आपको पोटैटो दिखाए हैं कि पोटैटो अभी मैं डाल दूँगी क्योंकि मिर्ची तो अपने आप हो ही जाएंगी, अभी थोड़ा सा तेल क्योंकि ओवर ही हीट हो गया था. और यहाँ पर मैंने डाली है कसूरी मेथी, आप देख ही रहे हो, अच्छे से मैश करके डाल देंगे, इसके साथ फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है. और इसमें अभी मैं जीरा डालना भूल गई हूँ, जीरा मैं अभी बाद में थोड़ा सा साइड को करके तेल डालकर फिर से डालूंगी क्योंकि कड़ी के अंदर जीरा अगर डालेंगे तो एक तो इसके साथ गर्म मराहट रहती है हमारी कड़ी में, बॉडी में भी,
और वैसे तो जिंजर गार्लिक डाला है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगता है, जीरे के साथ करारा करारा सा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर और गरम मसाला, और अभी इन डब्बों को सेट कर दूंगी। और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी वगैरह मैं रख दूंगी। मैं हमेशा प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देती हूँ, गलत कर देती हूँ, कसूरी मेथी बोलना होता है हमेशा, कसूरी कसूरी। यहाँ पर कढ़ी बन गई है, कढ़ी वगैरह बन गई। तो इस जो मैं कुर्ते के साथ प्लाजो पहना हुआ है ना, वो इसका नहीं है, वो दूसरे सूट का है मेरा, जो सूट मैंने शायद वेयर करके फेंक भी दिया। तो इस प्लाजो को मैंने ना ऐसे रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा 2-3 होते ही हैं। तो फिर जो इस सूट का प्लाजो था वो ना थोड़ा सा फिटिंग वाला था, मतलब इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था जितना ये है, ये बहुत ज्यादा खुला डुला है। तो मुझे इसमें चलना फिरना ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम वेयर किया, और अभी थोड़ी सी मुझे बात करनी है आपसे। मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी ना, वो क्यों गई थी वो बताऊंगी। अच्छा लग रहा है, मुझे लगा था कि मेरा ये सूट ना टाइट हो गया होगा, बट फिर मैंने देखा ये तो उल्टा मेरे लूज हो गया, मतलब मैं स्लिम हुई थोड़ी सी। तो उस बात की भी मुझे खुशी है कि मैं थोड़ी सी पतली हुई, पहले नहीं तो ना इतना कसा हुआ था मेरा ये सूट। तो मुझे लगा था ये सूट मैं अभी रिटायर करूंगी, 2-3 बार पहना था, मुझे लग रहा था टाइट है, बट मैंने देखा कि मेरा वेट थोड़ा कम हो रहा अभी पहले से। मैं देख रही थी कि कैमरे का फोकस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हाँ, मैं आज सुबह सुबह गई थी मंदिर। मंदिर में इसलिए गई क्योंकि मुझे 3 मंथ से भी ज़्यादा, इस ब्लॉग पे जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला था ना, उस दिन शिवरात्रि थी, महादेव का दिन था, तो उस दिन मैं माथा टेका था। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग की थी, उसके बाद से लेके अब तक मैं मंदिर नहीं गई। और जब भी मैं मंदिर नहीं जाती, मुझे बहुत ज़्यादा सपने वगैरह आने लगते हैं, सांप के, महादेव के, ऐसे कुछ करके। महादेव तो कभी कभार दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा तो मुझे सांप वगैरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मैंने फिर मुझे सुबह मंडे कितने बजे संडे रात सोई, सुबह के तड़के 4, मतलब मंडे ही हो जाता है ना, हाँ, आज जैसे तड़के 4 बजे मुझे ऐसे ड्रीम आया, सांप का, 2 सांप थे, एक दूसरे से कर रहे थे, पता नहीं राउंड राउंड ऐसे कुछ करते हैं ना, घूमते फिरते हैं, जोड़ी सांप भी बोल सकते हैं, जहाँ फिर पता नहीं। और सांपों ना अच्छे वाले थे, वो गंदे वाले सांप नहीं थे, जिसका मतलब मीनिंग वगैरह गलत हो, वो वाले नहीं थे। तो उसके बाद फिर हम लोग मैं मंदिर गए। मंदिर में फिर मुझे ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कभी कभार बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभार लेट से, क्योंकि शिवलिंग की जो लाइन है ना बहुत लंबी वाली है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैं दूध चढ़ाती हूँ एक एक शिवलिंग के ऊपर, फिर पानी चढ़ाती हूँ एक एक करके, मतलब फर्स्ट टर्न में मिल्क जाएगा, सेकंड टर्न में पानी जाएगा, थर्ड टर्न में मैं फिर एक एक करके माथा टेकने जाऊँगी, क्योंकि मुझे दूध चढ़ाना, फिर पानी चढ़ाना, ये सब पानी फिर बार बार लेके आना, क्योंकि उन लोगों ने ना ऐसे ही डब्बा सा दिया, गड़बी सी दी हुई है, लोटा बोलते हैं ना, लोटा हिंदी में तो गड़बी बोलते, पंजाबी में हिंदी में लोटा शायद बोलते, वो इतना सा दिया, तो बार बार जाना पड़ता है। तो मैं ऐसे तीन राउंड मारती हूँ, थर्ड राउंड में मैं सब शिवलिंग के पास जैसे दूध पानी चढ़ाते ना वैसे, फिर हाथ लगाकर उनके ऊपर ऐसे करके फिर अपना ऐसे करती हूँ, तो वो थर्ड टाइम हो जाता है। उसके बाद वहाँ से मुझे प्रसाद जो मिलता है वो मैं खा लेती हूँ, कभी कभार घर पे भी ले आती हूँ, कभी कभार वहीं पे खा लेती हूँ। तो प्रसाद में मुझे क्या मिला था, वो जो होता है ना यहाँ पे जो स्पेशल वाला होता है, वो लेमन राइस। तो मैं अपने बच्चों और हस्बैंड को खाना देकर गई थी, क्योंकि कभी कभार मुझे लेट हो जाता, तो वही मैंने लेमन राइस खाए थे आज सुबह सुबह प्रसाद में। तो फिर मैंने आते ही फटाफट कढ़ी रख दी, फिर मेरे हस्बैंड रेडी थे, उनको छोड़ा। और ड्रीम मुझे जब भी मैं मंदिर नहीं जाती तो मुझे ड्रीम ज़रूर आता, अभी जैसे मुझे 3 मंथ्स हो गए थे, 3 मंथ्स में अगर मैं नहीं जाऊँगी ना, चाहे मैं हर मंथ 2 बार जाऊँगी, 1 बार जाऊँगी चलेगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। नहीं जाने से मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद
अगर मैं सपने आने के बाद भी नहीं जाऊंगी ना, जैसे 3 बार सपने आए, 4 बार सपने आए, नहीं जाऊंगी तो घर पे आ जाएंगे हमारे महादेव जी, सनेक जी आ जाएंगे घर पे, तो वो शिवलिंग शिव जी के माला के रूप में वो पहनते थे ना नाग, तो वो मेरे घर पे आ जाते हैं, फिर हम लोग उनको, वो आदमी एक आता है ना पकड़ने वाला, उसको फोन करके बुलाते तो वो लेके जाता है। तो इस तरीके की मेरे साथ हो जाता है, तो इसलिए मैं भी, मैंने सोचा है कि हर सोमवार जाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि घर में बच्चों को भी देखना, फैमिली मतलब घर भी देखना, तो कभी कभार वहाँ पे लेट हो जाता है। तो अब ये सोचूं ज़्यादा वीकली वंस, ज़्यादा मंथली वंस जाया करूँगी, ताकि मुझे सपने ना आए, क्योंकि मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मुझे किसी और शेर से भी नहीं डर लगेगा जितना उससे डर लगता है। तो बस अभी मेरी कड़ी बड़ी बन गई है, और क्या बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। छोटी बेटी ने आना नहीं है, बट क्लब के वो लेट से गई है कॉलेज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकली है, उसके पापा पहले गए, उसके बाद जब मैंने कड़ी को तड़का लगाया ना तभी गए हैं, तभी छोटी बेटी गई है। बड़ी बेटी ने अभी जस्ट अपना अपना बस स्टडी की कंप्लीट की है, कुछ था उसका चल रहा वो किया है, तभी ब्रेक डिनर वो लंच वो करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, वो देखते हैं। मेरे हस्बैंड का भी कंफर्म नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कड़ी बनानी है, और कल चिकन बनाया था, रायता बनाया था, वो सब पड़ा। एक तो मेरा मन है मैं रायते के साथ पराठा बना लूँ, एक मन कर रहा है कड़ी के साथ रोटी बना लूँ, क्योंकि जो लौकी का रायता होता है ना बहुत ही ज़्यादा स्मोकी वाला रायता बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो जहाँ तो मैं ऐसे ही ठूस लूँगी बिना चपाती के तो वैसे करूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो बस इतनी स्टोरी है। अभी टाइम कितना हुआ एक्चुअली ना, क्लॉक पहले मैंने इस तरफ लगाया था, इसीलिए मैं ऐसे करके देखती रहती हूँ, तो फिर बाद में ना हमें किसी ने बोला कि जैसे सर्दन होती ना उसके ऊपर क्लॉक नहीं लगाते, तो इसलिए फिर मैंने इस तरफ लगा दिया, और ये हमारा जो सैंग ना बहुत ज़्यादा स्नोरिंग कर रहा है, और ठंड है ना इसलिए ज़्यादा सोया रहता है, पूरा दिन सोया रहता है। अभी हम लोग मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, आज मंडे है, तो ये मुझे लगता है व्लॉग जाएगा मेरा वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि मेरे बीच में एक व्लॉग था, दो व्लॉग पेंडिंग पड़े हैं, एक मैंने अपलोड कल किया और एक आज अपलोड करूँगी या कल करूँगी, देखती हूँ। मैं आजकल ना ब्लॉग अपलोड करना थोड़ा सा एक दिन छोड़ के बनाती हूँ, एक दिन छोड़ के अपलोड करती हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो बस फाइनली अभी आप सबको करूँगी बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।